जोजो टीवी। एक चिड़िया घर में मोर का समूह था। उस समूह में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करता था। उनकी दोस्ती चील से थी। उन तीनों की बहुत पक्की दोस्ती थी। मोर का नाम सावन था, मोरनी का नाम था ऋतु और चील का नाम था काली। एक बार सावन ऋतु से कहता है, कई दिन हो गए काली नहीं आई, कितना मजा आता है ना? जब वो आती है हम सब मिलकर खूब नाचते हैं। देखो आज तो मौसम भी बहुत सुहाना है, मेरा तो नाचने का मन हो रहा है। तभी ऋतु कहती है, अरे क्यों पगला रहे हो, देखो तुम्हारी काली भी आ गई, नाच लो पर ध्यान रखना तुम्हारे पंख न गिर जाएं। तभी सावन कहता है, अरे पगली ये मेरे प्यारे पंख हैं, मैं इन्हें टूटने नहीं दूंगा। अरे काली तू आ गई, इतने दिनों से कहाँ थी? सावन बस उड़ते उड़ते मैं इतनी दूर चली गई कि मुझे आने में 3 दिन लग गए। क्या 3 दिन तुम इतनी दूर घूम कर आई हो? हाँ मैं चील हूँ, कोई छोटा पक्षी नहीं हूँ जो थोड़ा सा उड़कर फिर वहीं रह जाए। मैं तो बहुत दूर तक घूम कर आती हूँ और आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भरती हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ। तभी ऋतु कहती है, आज ये तो बदली बदली से लग रही थी, बातें भी कुछ घमंड में कर रही थी और आज नाची भी नहीं तुम्हारे साथ। तुम इसे छोड़ो, चलो आज बहुत अच्छा मौसम है, तुम गाना गाओ मैं नाचता हूँ। देखो देखो मेरे पंख कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या गाऊं? अरे वो गाओ, मोरनी बन के वो वाला गाना गाओ, बारिश हो जाती तो और मजा आता। तुम पागल हो गए हो, तुम मोर हो, आए बड़े मोरनी बनने, चलो फिर भी तुम कहते हो तो गाती हूँ। मारे हिवड़ा में नाचे मोर ताता थैया। ऊपर से काली चील उसे देखती रहती है और कहती है, ये सावन कुछ ज्यादा ही नाचने लगा है, इसे अपने पंखों पर घमंड हो गया है, अब इससे बात नहीं करूंगी। तभी अचानक बारिश हो जाती है, काली को कोई जगह नहीं मिलती, उसे सावन के पास जाना पड़ता है। अरे सावन मैं तुम्हारे पास थोड़ा समय बिताने आई हूँ, आ जाऊँ क्या? आओ आओ आओ। ये सावन कुछ ज्यादा ही रंगीला हो रहा है, सावन तुम घमंडी हो चुके हो पर तुम मेरी तरह नहीं उड़ सकते। अरे तुम दोनों फिर से लड़ने लगे, तुम लोग लड़ते क्यों हो? सभी पक्षियों की तो अपनी पहचान होती है, हर एक की अपनी क्षमता होती है। तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे की कमी नहीं एक दूसरे की खासियत देखो और उसकी तारीफ करो। चलो अब दोनों मिलकर नाचे, मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ। सभी दोस्त फिर से पहले की तरह नाचने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। चमत्कारी ऊंटनी और अकाल। एक समय की बात है, एक रेगिस्तान के टीले के बीचों बीच सदफ नाम का एक शहर बसा हुआ था। वहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे क्योंकि वहाँ का सुल्तान बहुत ही ज्यादा अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन सुल्तान के मरने के बाद जब उसका बेटा गद्दी पर बैठा, वह सुल्तान के विपरीत बहुत ही ज्यादा लालची और अत्याचारी था। सभी लोग उसकी बुराई किया करते थे। हमारे नए सुल्तान ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। फिक्र मत करो, इसका इंसाफ तो कुदरत ही करेगी। और वैसा ही हुआ। एक दिन अचानक बहुत तेज भूकंप आया और उस भूकंप के कारण सदफ शहर के पानी के स्रोत सूखने लगे और जमीन फट गई और उसमें से अचानक एक बहुत खूबसूरत ऊंटनी और उसका एक छोटा सा बच्चा बाहर निकले। सभी लोग यह चमत्कार देखकर बहुत हैरान थे। अरे ये कैसा चमत्कार है, यह तो कोई चमत्कारी ऊंटनी लगती है, चलो चलो इसे देखते हैं। हाँ हाँ चलो देखते हैं। सभी लोग उसके आसपास जाते हैं और दूर से ही उसे देखने लगते हैं। अपने आसपास इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर ऊंटनी का बच्चा उसके पास आकर छुप जाता है। तभी वह उन लोगों से कहती है, देखो मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मुझे ईश्वर ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैं पहाड़ों के ऊपर जा रही हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें दूध
फल और खाने की चीजों की कमी नहीं होने दूंगी, बस मुझे पानी पिलाते रहना। सभी लोग यह सुनकर हैरान हो गए। तभी ऊँटनी के थनों से दूध बहने लगा और पूरा शहर धन्य धान्य से भर गया। ऊँटनी सबको खाने की चीजें देकर अपने बच्चे के साथ खूब सारा पानी पीकर पहाड़ों में चली गई। अब ऐसा ही निरंतर चलता रहा। ऊँटनी समय समय पर अपने बच्चे को लेकर शहर में आती, खूब सारा पानी पीती और लोगों को खाने पीने की चीजें देकर वहाँ से चली जाती। सभी लोग बहुत खुश थे, शहर में फिर किसी चीज की कमी न थी। लेकिन एक दिन जब यह बात अत्याचारी सुल्तान के कानों में पड़ी तो उससे रहा न गया। उसने अपने सेनापति से कहा, सेनापति जाओ और अभी के अभी उस ऊँटनी को हमारे सामने पेश करो। सुल्तान ने ऊँटनी से कहा, हमने सुना है तुम बोल सकती हो, तुम चमत्कारी हो, हम भी तुम्हारा चमत्कार देखना चाहते हैं, और जो देना है हमें दो, हमारी रियाया को नहीं। नहीं नहीं सुल्तान, मुझे तो ईश्वर ने लोगों की मदद के लिए भेजा है, आपकी मदद के लिए नहीं। ऊँटनी के मुंह से यह बात सुनकर सुल्तान को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ऊँटनी और उसके बच्चे को मारने का आदेश दे देता है। लेकिन इससे पहले कि सैनिक उन्हें मार सकें, धरती फटती है और ऊँटनी और उसका बच्चा उसमें समा जाते हैं। और उस ऊँटनी के श्राप के कारण आज तक सदफ शहर के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। काकू का कछुआ। काकू एक बहुत ही शरीफ समझदार लड़का था। काकू के पास एक कछुआ था, उसका नाम कुटकुट था। उसके गांव के बाहर एक बहुत सुंदर महल था जिसमें राजा और उसका बेटा केशव रहा करते थे। काकू रोज महल में केशव के साथ खेला करता था। केशव और काकू दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन केशव ने राजा से तालाब पर नहाने जाने के लिए जिद की। पिताजी मुझे भी गांव के बच्चों के साथ तालाब पर जाकर नहाना है। नहीं बेटा, वहाँ गंदा पानी होता है और उसमें खतरनाक जीव जंतु भी होते हैं, तुम्हें काट खाएंगे। अगर ऐसी बात है तो पिताजी आप महल में ही एक पूल बनवा दीजिए। ठीक है बेटा। राजा ने महल में ही पूल बनवा दिया। फिर केशव ने पूल में मछलियां लाने के लिए भी कहा। पिताजी काकू के पास कछुआ है, मुझे भी पूल में मछलियां चाहिए, कछुआ चाहिए। काकू तुम कल मेरे महल में आना, अपने साथ कुटकुट को भी लाना। राजा केशव की बात सुन लेते हैं और कुटकुट को लाने के लिए मना कर देते हैं। नहीं, पूल में कुटकुट नहीं जाएगा और वो तुम्हें काट सकता है। नहीं पिताजी, कुटकुट बहुत अच्छा है, वो किसी को नहीं काटता। काकू तुम कल कुटकुट को जरूर लाना। अगले दिन काकू कुटकुट को महल में लेकर आता है। राजा उसे पूल में नहीं डालने देता। केशव और काकू पूल में नहा रहे होते हैं। कुटकुट पूल के बाहर से ही उन्हें लगातार देखता रहता है। पूल में मछलियां भी थी, उन मछलियों में से एक जंगली मछली होती है और कुटकुट बाहर से ही उसे देख रहा था और समझ जाता है कि वो मछली केशव को काटने जा रही है। कुटकुट पूल में मछली पर कूद पड़ता है और राजा के बेटे की जान बचा लेता है। राजा इस बात को सुनकर हैरान रह जाता है, उसने कुटकुट को गलत समझा था। राजा ने काकू और कुटकुट का धन्यवाद किया और उन्हें बहुत सारे उपहार दिए और अपने बेटे केशव को एक अच्छा दोस्त चुनने के लिए शाबाशी दी। दोस्त हो तो कुटकुट जैसा। महिमा का प्यारा मोती। समीरपुर गांव की रानी, जो कि दिल की बहुत अच्छी थी, गांव वालों का हमेशा साथ दिया करती थी। रानी की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था महिमा। वो बहुत जिद्दी और शरारती थी। एक बार उसे एक कुत्ता लाने की जिद हो गई। मुझे कुत्ता चाहिए, मैंने कह दिया, बस अब मुझे एक कुत्ता चाहिए। अरे बेटा क्यों जिद करती हो, कुत्ता तुम्हें काट खाएगा, वो बहुत खतरनाक होता है और जानवरों को यूं बांध कर रखना कोई सही बात तो नहीं, तुम समझती क्यों नहीं हो। आप झूठ बोल रही हो,
कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। मुझे एक अच्छा और बहुत सुंदर सा कुत्ता चाहिए बस। अगर मैं उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, तो वो किसी को नहीं काटेगा माँ। मैं सच कह रही हूँ, देखो मुझे कुत्ता चाहिए बस। रानी ने महिमा को कुत्ता लाकर दे दिया। कुत्ता बहुत सीधा और प्यारा था। महिमा ने उसका नाम मोती रखा। महिमा उसका बहुत ध्यान रखती थी। जहाँ भी जाती मोती को अपने साथ ही लेकर जाती। मोती मोती, मेरा प्यारा मोती, तुम कितने प्यारे हो। अभी किसी को काटना मत, नहीं तो माँ नाराज होगी और सब कहेंगे तुम्हारा मोती तो काटता है और तुमसे दूर भागेंगे, समझ गए ना। एक दिन महिमा मोती को बाग में घुमाने ले जाती है। वहाँ महिमा की बहुत सारी सहेलियाँ भी थीं। वो सब मोती के साथ खूब खेलती हैं। मोती बहुत वफादार और सीधा था, कभी किसी को काटता भी नहीं था। एक दिन फिर महिमा मोती को बाग में ले गई, जहाँ मोती ने गांव के कुत्तों को कहते हुए सुना। ये कैसा कुत्ता है, कभी किसी इंसान को काटता नहीं। हम कुत्तों को तो देखो, हम तो हर किसी को काट लेते हैं। भला हमारे इन दांतों का फायदा क्या हुआ, हमारी तो फितरत काटना है। तो हम कुत्तों का नाम खराब कर रहा है ये। मोती यह बात सुनकर परेशान हो जाता है और सोचने लगता है। मैं किसी को काटूंगा तभी ये कुत्ते मेरे दोस्त बनेंगे। मैं किसे काटूं, मुझे तो यहाँ सब प्यार करते हैं। अचानक रात को महल में चोर आ जाता है। मोती महल में भौंकने लगता है। महल में कोई जाग नहीं रहा होता। उसी समय मोती चोरों का पीछा करता है और उन चोरों को बहुत काटता है और चोरों को भागने ही नहीं देता। यह शोर सुनकर सब जाग जाते हैं। रानी और महिमा देखते हैं कि मोती की वजह से चोर पकड़े गए। मोती महिमा को इशारों में बताता है कि उसने चोरों को पकड़ा है। महिमा और उसकी माँ उसकी बहुत तारीफ करती हैं और उसे बहुत प्यार करती हैं। अपनी वफादारी का इनाम मोती को मिलता है और अब सभी महल में उससे प्यार करने लगते हैं।